क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह दे पाक कलामा चों अल्लाह दे पाक कलामा चों कुरान दा रुतबा वखराए। अल्लाह दे पाक कलामा चों कुरान दा रुतबा वखराए। बोलो अल्लाह दे पाक कलामा चों कुरान दा रुतबा वखराए। जिवें नबियां चों नबियां दे जिवें नबियां चों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा वखराए। जिवें नबियां चों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा। सारे मिलके पढ़ो। जिवें नबियां चों नबियां दे नाद खावा की सिर्फ गल नहीं, रब दा कुरान आंदा है। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफअ बादहुम दराजा। जिवें नबियां चों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा। जिवें नबियां चों नबियां दे सुल्तान दा रुतबा। हमदो सलात के बाद मोअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, स्वीडन, हालैंड और पहले भी कुरान की तौहीन होती रही। अलियाज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। OIC जो इस्लामी ममालक हैं 57-58, वो सिर्फ इतनी बात कहते हुए नजर आते हैं, हम शदीद मुजम्मत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मुजम्मत पे डाला हुआ है लोगों को कि हमने मुजम्मत कर दी। अब मुजम्मत से मसला हल होने वाला नहीं, अब मसला हल होगा मुरम्मत से। और मुरम्मत भी ऐसी जैसी खादम रज़वी साहब करते रहे। अपनी हुकूमत हो या दीगर ममालिक हों, वो सिर्फ मुजम्मत पे हैं कि हम मुजम्मत करते हैं इस वाक़े की, हमें ये मंजूर नहीं कि ये सिर्फ मुजम्मत करते फिरे और अपने आप को बचा लें कि हमने मुजम्मत की है। हमें क्या मंजूर है और हम क्या चाहते हैं कि एक हाथ में शबाज शरीफ के रब का कुरान हो और दूसरे हाथ में लिखा हो एटम बम, कि हम एटमी पावर हैं, इंसान के बच्चे बनो, कुरान रब का कलाम है। हम ये चाहते हैं। ये गौरी इतने मिसाइल बना रखे हैं किसके लिए हैं? गैरों के लिए तो नहीं। ये तो इमरान आता है तो शबाज को अंदर करता है, शबाज आता है तो इमरान को अंदर करता है। ये तमाशा लगा हुआ हमारे मुल्क में, ये तमाशा है, तमाशा। और कौम नारे लगा रही है जीवे जीवे हमारा लीडर। भाई ये लीडर है? लीडर वो होता है जो कुरान की हिफाजत करे, जिसने इस कुरान की तौहीन की है। आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा हो, मुझे तो दिखाया गया है कि कुरान के हरूफ को फाड़ता है वो जलील, और नीचे गिराता है और ऊपर चलता है जूतों समेत। आपके मुंह से अस्तगफिरुल्लाह भी नहीं निकली। ये है हमारी मुसलमानी। मैं तो नहीं देख सका सैफी साहब, मैं नहीं देख सका। मुफ्ती साहब को मैंने कहा यार ना दिखाओ, इतनी कुरान की तौहीन है। और जलीलो मैं तो जुबे यजीद का हूं या दोजख का खंजीर का हूं। कुरान की तौहीन करने वाला या यजीद होता है या खंजीर होता है, और कुरान की हिफाजत करने वाला या तारिक बिन ज़ियाद होता है या मोहम्मद बिन कासिम होता है। तो लिहाजा मुजम्मतों से ये मसला हल नहीं होगा। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि सख्ती से निपटा जाए और इसका मुकम्मल सदेबाब किया जाए कि आज के बाद को कुरान की तौहीन ना कर सके। कुरान है कलाम रब्बी। किसका कलाम है? अल्लाह का नाम ऊंची लिया करो। किसका कलाम है? कोई शक है तो चुप रहो, अगर शक नहीं तो बावाज़े बुलंद मेरे रब का नाम जपो। ये कुरान किसका कलाम है? कौम को समझ नहीं ना आती। जब मैंने एक सुहावे में तकरीर कर रहा था तो एक मेहमान खुसूसी मेरे बाएं जाना बैठा था इस तरह सामने। तो जब मैंने कहा ना कि मसीहा औरत, ईसाई औरत आसिया मलूना ने कुरान को ये कहा था कि कुरान रब का कलाम नहीं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गढ़ी हुई बातें हैं, और इस तरह की मैं बातें कर रहा था, तजज़िया और तबसरा कर रहा था इस पे। तो वो मेहमान खुसूसी उठ के चला गया। ये तारीख है, मुसलमान था, मुसलमानों के मजमे में आया था। तो मैंने कहा उस अल्लामा साहब थे हमारे सियालवी साहब, मैंने कहा इस जलील को क्या हुआ? कहने लगा ये चीजें पसंद नहीं करता। तो मैंने कहा ये वो चीजें पसंद करता है कि उधर कुरान और नमूसे रिसालत की तौहीन होती रहे और हम चुप करके बैठे, इस तरह की ये चीजें पसंद करता। हाँ जी, ये कहता है कि बस मौलवी मेंबरों पे ऐसी बात ना किया करे। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा। आसिया मलूना का ये जुमला सरासर कुफर है। क्या है? कुफर है। पूरी दुनिया इस बात पे तुली हुई है और डटी हुई है, गैर मज़ाहिब, कि हमने इसको खत्म करना है। और अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सदके ये खत्म नहीं किया जा सकता। बोलो इंशाअल्लाह। इसको महज एक बात और समझ लो, ये कुरान है ना, इसके माना समझने हो ना, माने या मफहूम समझने हो तो हमें अकल की जरूरत है। हमें इसके माने के लिए हमें अकल की जरूरत है। अगर इसके इसरार और रमूज में गोताजनी करनी हो ना तो फिर हमें इश्क मुस्तफ़ा की जरूरत है, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत है। और इसको सिर्फ मैंने नहीं बयान किया, अल्लामा ने भी कहा था, मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जान दीन। सुभान अल्लाह आती है क्यों? जुबान नहीं पे समझने में की पे कहना। मग़ज़ कुरान, कुरान का मग़ज़, रूह ईमान, ईमान की रूह, जाने दीन, दीन की जान। ओ मगज़े कुरान रूह ईमान जाने दीन। अल्लामा ने लिखा हस्बुबे रहमतल लिल आलमीन। हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं तकरीर ऊंची करते हो तो फिर वही मसला हो जाएगा, तो मैं फिर आहिस्ता करूं तो आप नहीं समझते। मैं क्या करूं या अल्लाह? जोर न लगाऊं तो ये चस नहीं लेते, जोर लगाऊं तो डॉक्टर कहता है तुझे छोड़ूंगा नहीं। या अल्लाह मैं क्या करूं? अब क्या होगा? आप आहिस्ता आहिस्ता बोलने से सुभान अल्लाह ऊंची कह दें तो मैं आहिस्ता आहिस्ता तकरीर कर लेता हूँ। बात तो कुरान की समझानी है। मैंने मगज़े कुरान रूह ईमान जाने दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। सरकार दी मोहब्बत होवे ते कुरान समझ भी आंदा है, असरार और रमूज भी समझ आते ने, एरे मानी मतलब भी समझ आते ने। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत नहीं ते कोई शै भी समझ आ सकती। ज़कावला रज़वी ते अल्लामा इकबाल दी सिर्फ गल नहीं, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। फरमाया रब ने कुछ लोग कुरान पढ़ के गुमराह होंदे ने, कुछ लोग कुरान पढ़ के हदायत पाते ने। मौलविया ने गुमराही अपने सिर ले लई जिन्ना कुरान पढ़ के आखिया कि नबी नू कल दा पता नहीं। ते कुरान पढ़ के हदायत कौन पाते ने? जिहड़े नबी दा मिलाद भी मनाते ने, नबी दा मेराज भी पे मनाते ने। ऊंची आवाज से कुरान नारा लगाया करो, ऊंची आवाज, आहिस्ता नहीं बोलना। कुरान के कुछ हकूक हैं वो सुन लो, फिर आगे चलते हैं। आज चार पांच भी पाजें तो खैर है ना। हाँ, दो जुम्मे इस महीने में नहीं ना पढ़ा सका, तो उसका मैं पूरा करूँगा आज। बिचो जे जल्दी आ रहे या अल्लाह हमें मार जाए। हाय, कलाम इलाही के कुछ हकूक हैं और वो हक हम पे लाजिम है। सबसे पहला कुरान का हक क्या है? कुरान का सबसे पहला हक है कि इस पे ईमान लाना। कुरान पे ईमान लाना, कैसा ईमान हो? ईमान कैसा लाना? कुरान पे ईमान लाना कैसा ईमान हो? कि जो हम कुरान पढ़ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, इसमें कोई शक, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये ला रैब कलाम है, ला रैब कलाम है, ला रैब कलाम है, ला रैब कलाम है, ला रैब कलाम है। कुरान ला रैब कलाम है। छोटी बात है, मेरी बात है, मुहद्दिस की बात है, मुफस्सिर की बात है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। रब फरमाता है कुरान पे ईमान लाना है ना, तो ईमान इस तरह का हो कि ये समझे कि अलहम शरीफ की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक इसकी ना कोई मिसल है ना कोई मिसाल है। सबसे पहला हक ये है कि कुरान पे ईमान लाना, ईमान लाना। दूसरा हक है कि इसको गैर मुहर्रिफ मानना। क्या मतलब? कि इसमें कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता, कोई वादा काटा नहीं हो सकता। कुरान के अलावा भी रब के कलाम है, ज़बूर है, तौरात है, इंजील है। असली सूरत में नहीं मिलेगी। ना तौरात मिलेगी, ना ज़बूर मिलेगी, ना इंजील मिलेगी। तगय्युर तबद्दुल हो चुका, वादा कटा कर लिया लोगां, जो कलाम उतरा था वो नहीं रहा। 15 सदियां बीत गईं, जेर का भी कोई फर्क नहीं डाल सका। अपने चेहरे मुस्कुराने चाहिए तुम्हारे और सुभान अल्लाह का नारा मस्ताना होना चाहिए। कुरान ऐसा कलाम है, जबर जेर का भी फर्क आ सकता नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फरमाया मैं ही इसको नाज़िल करने वाला हूँ। रब फरमाता है और कयामत तक इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है, मैं करूँगा। तो जब अल्लाह हिफाजत कर रहा है तो फिर ज़ेर ज़बर का तगय्युर तबद्दुल हो सकता? रब का तो ऐलान ये है, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो ना कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कलाम लिख सकते हैं, मेरे रब ने फरमाया हबीब इनसे कह दे अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो ना ओ बेईमानो, तो फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इसकी मिसल एक सूरत भी ले आओ। आज भी मेरे रब का दावा कुरान मुकद्दस में ये मौजूद है और कयामत तक मेरे रब का ये दावा है, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। कुरान की मिसल कोई सूरत नहीं बना सकता। बोलो ना बोलो, कुरान की मिसल कोई सूरत बन सकती? जितने मर्जी ज़ीरक इंसान हो, पढ़े लिखे हो, कुरान की मिसल कोई सूरत नहीं बना सकता। जितना मर्जी पढ़ लिख ले, एमफिल कर ले, पीएचडी कर ले, मज़ाहब का मुताला कर ले, कुरान का दावा आज भी यही है, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। कुरान बेमिसल है, ला रैब है। कुरान बेमिसल है, ला रैब है। हमारा ये ऐलान है, कुरान ला रैब है और जिसके सीने पे नाज़िल हुआ वो बेऐब है। सबसे पहला हक कुरान का क्या है? शाबाश बोलो, ईमान लाना। दूसरा हक कुरान का है, इसको पढ़ना, जो हमने छोड़ दिया हुआ है। कुरान को दूसरा हक कुरान का यह है कि कुरान को पढ़ना। बोलो क्या करना है? कुरान को हम कितने पारे रोज पढ़ते हैं, कितने रुकू पढ़ते हैं? हम सुबह उठ के कुरान की तिलावत करने वाले कितने लोग हैं? दूसरा हक कुरान का यह है कि कुरान को पढ़ा जाए। बोलिए कुरान को आखो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ेंगे। सूरह इखलास की तिलावत करने वाला सरकार ने बुलाया, फरमाया इखलास पढ़ता है और कोई कुरान नहीं आता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये प्यारी लगती है। फरमाया यही सूरत तुझे जन्नत ले जाएगी। तो जो पढ़े सूरह यासीन, जो रोजाना पढ़े सूरह यासीन, सूरह वाक़िया की तिलावत करे और शाम को इशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करे और 7 यार पे दुरूद और सलाम पढ़े, मिलेगा क्या? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा सुबह उठ के कुरान पढ़े, मसलन सूरह यासीन से शुरू की है और उसको आधा पढ़ के छोड़ दिया है, बाकी आधी मैं शाम को पढ़ लूंगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सुबह कुछ तिलावत का हिस्सा किया कुरान का और फिर बाकी बकिया वो शाम को पढ़ लिया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ऐसा किया वो ऐसा समझे मैंने सुबह से लेके शाम तक रब का कुरान पढ़ा है। इतना मेंढर को देता है कोई है दुनिया में? कोई भी नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा नमाज इशा पढ़े बाजमात और उसके बाद फजर उठ के पढ़े तो क्या मिलेगा? मिलेगा जी, आका फरमाते हैं वो ये समझे कि मैं सारी रात ही रब की इबादत करता रहा, ना हमें फजर की फिक्र, ना हमें जोर की फिक्र, ना असर की फिक्र, बस दुनिया की फिक्र है, कैसे कमाई जाती है। उसने पराडो रख ली, मेरे पास भी होनी चाहिए, उसकी कोठी 36 करोड़ की हो गई, मेरी 40 करोड़ की होनी चाहिए, इसकी तो फिक्र है हमें। बच्चे पालने हैं, उसको पढ़ाना है, उनको उनका शादी करनी है, ब्याह करना है, फिर मरना है। तो मरने के बाद तो पूछा जाएगा ना, जवानी कहाँ गुजारी, माल दिया कहाँ खर्च किया, वो क्या करता रहा तू है, बताना तो पड़ेगा ना मुझे भी और आपको भी बताना पड़ेगा। सारी जिंदगी का हिसाब होना है, मेरा भी और आपका भी, ये बताना पड़ेगा भाई। तो कितनी नमाजें पढ़ते हैं मौलवी साहब, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम और मिलना है, जो रूह कब से तो प्रवास कर गई। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगे खेत, फिर पछतावा होगा कि मुझे एक लम्हा मिले मैं रब की इबादत कर लूंगा, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। नमाज पढ़ो और कुरान की, ये हक है कुरान का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में पूछा रब से। अब ये अलहदा चीज है कि मैं इसको समझाने लग जाऊं ना, आगे दो बचले हैं कि मैं इसको समझाने लग जाऊं कि वलियों की ख्वाब में रब कैसे मिलता है, इस पे मुझे बड़ा सारा वक्त चाहिए, दलाइल चाहिए मुझे। ख्वाब में रब से कलाम किया किसने? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने रब से कलाम किया, तो कलाम किया ना, जब पूछा रब से कि या अल्लाह तेरी कुर्बत का, तेरे करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया तो मुझे बता। तो इमाम गजाली फरमाते हैं, मेरे रब ने फरमाया, गजाली मेरे कुर्ब का सबसे बेहतरीन जरिया मेरा कलाम है। मौला अली शेर खुदा इसलिए तो फरमाते थे कि जब मैंने रब से बातें करनी हो, कलाम करना हो, तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करना रब मुझसे बातें करे तो मैं रब का कुरान पढ़ता हूँ। बाबे मदीना तुल इल्म फरमाते थे। दूसरा हक कुरान का क्या है? अब बोलो, सारे बोलो, दूसरा हक क्या है? कुरान पढ़ना। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सुबह उठ के कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 रकत नवाफिल पढ़ने से ज्यादा अजर अता फरमाता है। आम हालत में कुरान पढ़ा जाए, जैसे अब मैंने पढ़ा है ज़ालिकल किताब, तो कितनी नेकियां? 10। शाबाश, कितनी नेकियां। और अगर नमाज में बैठ के पढ़ा जाए तो 50 नेकियां, 50 गुना माफ, 50 दर्जे बुलंद। हुन सौन लग पैने, आज शेर नहीं पढ़िया हुन तक तरन नहीं लगी, तरन्नम से तकरीर में मजा नहीं आया, चस नहीं आया। जो बंदा हालत नमाज में खड़ा होके रब का कुरान पढ़े, 100 नेकियां, 100 गुना माफ, 100 दर्जे बुलंद, उसके 100 दराजात बुलंद होते हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका परसों विलादत का दिन है, आज 11 रजब शरीफ है और 13 रजब को मौला अली शेर खुदा पैदा हुए काबातुल्लाह के अंदर। आप फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे हाथ को पकड़ा इस तरह, हाय अली तेरी अजमत तो कुर्बान, जिदा हाथ मुस्तफ़ा ने फड़े है, पकड़ा हाथ, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली एक हरफ तो कुरान का पढ़ेगा ना तो 10 नेकियां मिलेंगी। अली फरमाते हैं, सरकार मुझसे फरमा रहे हैं, अली तू एक हरफ पढ़ेगा तो कितनी नेकियां मिलेंगी? और फरमाया, पढ़ते पढ़ते कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाएगा तो शहादत की मौत मिलेगी। और आखिर पे सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया, अली कुरान पढ़ते पढ़ते बंदा दुनिया से चला जाए, और अली अगर तू कुरान पढ़ता पढ़ता दुनिया से चला गया तो फरिश्ते तेरी कब्र का तवाफ इस तरह करेंगे, तेरी कब्र पे फरिश्ते तादाद, बहुत ज्यादा तादाद में इस तरह हाजिर होंगे जैसे लोग बैतुल्लाह शरीफ में कसरत से हाजिर होते हैं। तो मोहम्मद सामिन हजरात दूसरा हक क्या था? जा जाके रहो, थोड़ी मेहरबानी। शेर पढ़ना, शेर बड़ा बढ़िया शेर पढ़ांगा जी, मजा आ जाएगा, चस आ जाएगा। तो हम शेर सुनंदा भी मनो भी शेर पढ़ांदा। जरा जाके बैठना है। तो दूसरा हक कुरान का क्या था? और तीसरा हक कुरान का है कि कुरान पढ़ के समझना, कुरान पढ़ के समझना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पहलों का और पिछड़ों के उलूम का तालिब हो कि वो चाहे वो तलब रखे कि मैं पहलियां दा भी इल्म हासिल हो जान ते अगों भी उलूम हासिल हो जान अगलियां दे भी। तो पूछया सोने वो की करे? फरमाया कुरान पढ़े करे। जो पिछड़ों पहलों का भी उलूम हासिल तालिब हो, तलब रखे और बाद वालों के भी उलूम का तालिब हो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या करे? वो कुरान का इल्म हासिल करे, कुरान को समझे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कुरान का मुताला करता है, इसके मानियों मतलब समझता है और देखता है मेरा रब क्या कहता है, क्या फरमाता है। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते उतरते हैं, सुकून हासिल होता है उसे, और रब की रहमत उस बंदे को ढांप लेती है। हा हा हा, क्या बात है भाई। जो कुरान का बाब इसलिए समझे पढ़े कि मैंने ये जुम्मे पे समझाना है। तो बात मशरक वाले भी सुन लो, मगरब वाले भी सुन लो, शमालो जनूब वाले सुन लो। ओ भाई मानो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों की आवाजों को दबा दिया गया, दब गई आवाजें। आदम से लेके ईसा अलैहि सलाम तक नबियों की आवाजें दब गईं। मेरी आवाज कयामत तक कायम रहेगी, जो मैंने हुक्म दिया वो कयामत तक रहेगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? फरमाया, मेरी उम्मत में उलमा भी होंगे, हुफाज भी होंगे, जो कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ाएंगे, कुरान समझेंगे, कुरान समझाएंगे, कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा इमामुल अंबिया की आवाज नहीं दबेगी। हलाकू खान ने सारे नुस्खे कुरान के दरिया बुर कर दिए। वो समझता था कि मैं कामयाब हो गया, अब कुरान खत्म हो जाएगा। हलाकू खान के सामने एक बच्चा छोटा सा सामने खड़े होके सारा रब का कुरान सुना दिया। पूछने लगा, हलाकू खान ये क्या? फरमाया, हलाकू तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, कुरान के नुस्खे तो दरिया बुर किए जा सकते हैं, मुस्तफ़ा के गुलामों के सीनों से कुरान खत्म नहीं किया जा सकता। साडा ते ऐलान है, वे दुश्मन घटा ना पाएगा, दुश्मन घटा ना पाएगा, अजमत कुरान की दुश्मन घटा न पाएगा। जरा सरकार दा गुलाम बैठा उन्होंने दावत देना पिया, ए पूरी दुनिया नू काफरां नू यहूदां नू सारां नू उन्हां दे एजेंटां नू मुल्क दे अंदर पैगाम मरकज़ आले सुन्नत गौसिया रज़विया तो जाना चाहिदा है। दुश्मन घटा न पाएगा, अजमत दुश्मन घटा दुश्मन घटा न पाएगा, दुश्मन घटा न पाएगा, अजमत बोलो दुश्मन घटा न पाएगा, अजमत है मजा लवो, दुश्मन घटा न पाएगा। क्यों घटाना पाएगा, क्योंकि करता है हक ताला हिफाजत, दुश्मन घटा ना पाएगा अजमत। जड़ा कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, कुरान ते ला रैब मानता है, कुरान ते ईमान रखता है, कुरान दी तिलावत करता है, कुरान रब दा कलाम मानता है, ओ पढ़ो दुश्मन घटा ना पाएगा। कुरान की दुश्मन घटा ना पाएगा। ओ भाई मानो क़ुरान ज़बूर इंजील रब दा कलाम है, रब दे कलाम ने, रब दे कलाम ने, पर उन्हां दे अंदर ऐलान नहीं सी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दुश्मन घटा ना पाएगा, दुश्मन घटा ना पाएगा, ओ दुश्मन घटा ना पाएगा अजमत कुरान की, क्योंकि करता है हक ताला हिफाजत। ओ करता है हक ताला, देर की गल नहीं करन लगा, माजी करीब अंदर। बैकी हाफिज, बैकी हाफिज एक ईसाई औरत है। बैकी हाफिज ने जिसने कुरान का मुताला किया ते की कहंदी है, मैं गवाही देनी आ अरशा वाला खुदा भी सच्चा है, मदीने वाला मुस्तफा भी सच्चा है। मुसलमान हो गई, ईमान ले आंदा बैकी हाफिज ने। ईसाई औरत, अंग्रेज औरत, अमरीका दे रहन वाली औरत, ओने की कीता है, कुरान दा नूर ओने सीने अंदर उतर गया है, इमामुल अंबिया इस्लाम दा कलमा पढ़ बैठी है। मसीहा औरत, ईसाई औरत ने जिसने कुरान पढ़िया, कुरान समझिया है, कुरान दा मुताला कीता है, समझ के फिर रब्बुल आलमीन दे हबीब नूं मान बैठी है, इमामुल अंबिया इस्लाम दा कलमा पढ़िया है। फिर की हुंदा है, कहन लगी मैं अहमद सा पहले, जिसले कुरान दा नूर मिलिया है, रब ने मेरे सीने अंदर शऊर पैदा फरमा दिता है, मेरी अकल दिमाग शऊर बहुत तेज हो गया। और बैकी हाफिज का कहना है, अमेरिका दे मैगजीन दे अंदर ओदी सारी नुएदाद छपी है। ओ ईसाई औरत जड़ी मुसलमान हो के कहन लगी, ओ लोगो ओ जिसले कुरान मिलिया है, मनु इंज महसूस होया, महसूस होया जिसले बंदा नबीना आंदा है, नबीने नू बिनाई मिलदी है, ओ रोशनी वेंदा है ते खुश हुंदा है। जिसले मनु कुरान दा नूर मिलिया, मैं समझिया मैं नबीनी सां, ऐसे प्यार ना पड़ो को दुश्मन घटा ना पाएगा अजमत की, दुश्मन घटा ना पाएगा। ओ कहन लगी जिसले कुरान दा नूर मिलिया है, मैं समझनी सा, मैं अंधी सा, मैं नबीनी सा, मैनू बिनाई मिल गई है। जिसले बंदे नू बिनाई मिलती है, रोशनी मिलती है, वो खुश हो जाता है, ना सितारे वेना पिया, सूरज वेना पिया, चन्न वेना पिया, मखलूक वेना पिया, रात वेना, खुश हो जाता है। एक नबीना बंदा होवे, डॉक्टर आंदा मैं तेरा इलाज करांगा, जहान वेखेगा किन्ना को खुश होएगा। ओ कहन लगी ओदी खुशी एक पासे, जेड़ा मनु कुरान दा नूर मिलिया है, इस खुशी दी इंतहा कोई नहीं। ते पता की कहन लगी, मैं दिल करदा बहुत बुलंद पहाड़ होवे, पहाड़ ते मैं चढ़ जावा, मशरक वालियां नूं, मगरब वालियां नूं, शमाल जनूब वालियां नूं पैगाम दियां, जिहड़ा नूर मन्नू मिलिया है, इस नूर ते रब दा शुक्र अदा करो, मैनू कुरान मिल गया है। सजदे साल रख के रोवो ते आंसू बहाओ, की आंदी है दुनिया वालियां नूं मेरा पैगाम पहुंच जाए। ओ बैकी हाफिज सुनू कुरान मिल गया है या अल्लाह तेरा शुक्र है। बैकी हाफिज का कहना है 100 साल सारी कायनात वाले ये शुक्र अदा करते रहन, शुक्र है या अल्लाह। बैकी हाफिज सुनू कुरान दा नूर दे छड़िया आई, आख्या सारी दुनिया शुक्र अदा करती रवे तामी रब दा शुक्र अदा हो सकदा ही नहीं। दुश्मन घटा ना पाएगा, मैं बोलना मजा आंदा जे, लुत्फ आंदा जे और सुकून सुरूर मिलता जे। तुसी बोल दो तो मनु भी कुछ हासिल होता है, मनु भी मजा आता है। दुश्मन घटा ना पाएगा अजमत, दुश्मन घटा ना पाएगा अजमत कुरान की, क्योंकि करता है हक ताला हिफाजत, करता है हक ताला हिफाजत। तकलीफ की ये बेईमाना तकलीफ कर दी है। इस कुरान ने आख्या यहूदों ने सारा कभी थोड़े दोस्त नहीं हो सकते, नबी आखिरी नबी ने। तकलीफा ये बनिया हुई ने, ये कुरान ने आख्या मां कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। दुश्मन घटा ना पाएगा, ओ दुश्मन घटा ना पाएगा अजमत, क्यों करता है हक ताला हिफाजत, करता है हक ताला हिफाजत। तकलीफा की ने, क्यों कुरान दे वर्गे फाड़ फाड़ के थले पे सुटते ने, क्यों कुरान पे जलाते ने, क्योंकि कुरान ने आख्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ बेईमानां नूं तकलीफां होईयां ने। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दायन इलल्लाहि 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 बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ऐ तकलीफां जे, ऐ जे तकलीफां जेड़ा कुरान ने आख्या है ओ सोने ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा ज़ेरा ज़बरान ते शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आईयां। ओए ज़ेरा ज़बरां ते शद्दा मद्दा मजा आ रहा है ते फिर बोलो भी ना। ऐ ज़ेरा ज़बरां ते शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आईयां। ओए आमा लोका खबर ना काई ते खासा रमजा पाया। खास कौन ने रमजा कि ना पाइया ने सुना दिया। खासा रमजा पा के की आख्या सुना दिया। ओए खासा बंदियां ने रमजा पा के जो कुछ आखिया सुना दिया पांच सत बंदे ने बाकी हो रखी पेंदे हो। मैं आख्या जिन्ना खासा रमजा पाइया ने रिया सुना दिया उन्हें की आखिया ओ भाई जिन्ना रमजा पाइया ने रिया खास बंदियां कुरान की रमल पा रही उन्हें जो कुछ आखिया सुना दिया सुना दिया सुना दिया उन्हें पता की आख्या कोई मिसल न जानी दी कोई मिसल न जानी दी रब खुद कसम चुके जिदी चढ़दी जवानी दी रब खुद कसम चुके जिदी चढ़दी जवानी दी जेड़े खास बंदियां कुरान दियां रमजां पाइयां ने उन्हें कह दिता कोई मिसल ना डोलन दी कोई मिसल ना डोलन दी चुप कर मेहरे अली मेहरे अली चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं हूं बोलंदी जी बोलो आका हमारे हाथ उठा दो हाथ उठा दो मुसलमान हाथ उठाओ सरकार के नाम पे मुसलमान हाथ उठाओ रब दी मुस्तफा दी शान ऐसा ऐसा सोने पहुंच भी दिलों के करीब है, जाना तो ज्यादा करीब है। जिहड़ा सोने तेरिया अजमतां पे बयान करता है, ना इत्थे नकाम होवे ना उत्थे नकाम होवे। बोलो बोलो बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदलाएगा, कुरान ना बदला। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला, कुरान ना बदला। क्यों ना बदला जाएगा है कौले खुदा फरमान नबी, है कौले खुदा भी है कौले खुदा, है कौले खुदा फरमान ना बदला गा, फरमान ना बदला गा, फरमान ना बदला जाएगा। बस यही पैगाम मैं तुहानू अज देना सी। तुसी दुआ करो अल्लाह मैनू सेहत वाली जिंदगी अता करे, ते मैं तुहानू यह पैगाम कुरान सुन्नत देंदा रहां। हुण मेरी ख्वाहिश है कि 2-3 मिनट मेरे रब दा जिक्र करो। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उच्ची ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ला इलाहा ला इल्लल्लाह। अल्लाह दी कसम रब दियां रहमतां उतरदियां जे पईयां, अल्लाह दी कसम उठा के उन्हां रब दियां रहमतां उतरदियां ने। अमाल सवार लईए, रब साडे ते राजी हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जितों तक तुहाड़ी आवाज आ रही है, फरिश्तियां की गवाही भी हो रही है। फरिश्ते तुहाड़े वास्ते बख्शे दियां दुआवां पे करदे ने। दरो दीवार मरकज़े अहले सुन्नत रब दे जिक्र ना गूंज उठन। जोर ला के आखो ला इलाहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो जो नीयत लैके आयो इस जिक्र खुदा का सदका और कुरान की अजमत का सदका रब तुहाड़ियां आसां पूरियां फरमाए। वाह खिरुदा वाह।